मेरे ख्याल से आउटडोर गेम्स ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम करें इंडोर गेम्स के। आई प्रेफर स्पोर्ट्स बिकॉज उसमें आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है एंड फिजिकली आप फिट रहते हैं। मैं जो है स्पोर्ट्स को प्रेफर करूंगी क्योंकि इसमें हम लोगों की जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है और हम लोग जो है फिजिकली फिट रहते हैं। मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से बंदा फिजिकल और मेंटल फिट रहता है। वीडियो गेम्स और स्पोर्ट्स दो अलग डोमेन्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स को प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं फुटबॉलर भी हूँ, क्योंकि इससे बंदे की फिटनेस भी रहती है। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है क्योंकि फिजिकल बंदा फिट रहता है और माइंड फ्रेश रहता है। मैं ज़्यादा गेम्स को प्रेफर करता हूँ क्योंकि सिंस माई चाइल्डहुड आई बीन प्लेइंग किक बॉक्सिंग। मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि वो जो है मेंटली और फिजिकली इंसान को फिट रखता है और जाहिर सी बात है इंसान सुस्त नहीं होता। तालीम का मियार कहाँ का ज्यादा बेहतर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट में फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो हैं ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते और वो बच्चों को डील बहुत बुरे तरीके से करते हैं, बताते नहीं हैं। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं, मैं खुद प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्पीयर में पढ़ रही हूँ, उसका मकसद ये कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम टीचर से जाके पूछ लेते हैं या हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल से बेहतर होती है क्योंकि वो मेरे ख्याल से फ़ीस कम लेती है, जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात है। जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट में तो ज़्यादा कॉमर्स स्टडी कराते हैं, प्राइवेट में जो है एविएशन भी करवाते हैं, एविएशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं करवाते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि उनका मेरिट ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो वो प्राइवेट का ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब टीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मतलब वहाँ पे जो उनके टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी मतलब क्वालिफाइड वगैरह ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा जो उनकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी लिमिटेड से होती हैं, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा मतलब पढ़ेंगे FSC में ज़्यादा मार्क्स लेंगे वही मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन गेन करेंगे। आप ज्यादा टाइम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर या क्लासेस में? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुमाइंदा एक्सीलेंट टीवी ज़ैनब बट। आज का हमारा सवाल अपने आवाम से ये है कि वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर कंज्यूम करते हैं, फ़ोन में या स्टडीज़ में? मैं अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करती हूँ, सोशलिज्म ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पे। उसकी कोई वजह? क्योंकि उसमें ज़्यादा बिजी रहता है बंदा और ज़्यादा उसमें इंजॉयमेंट है। मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम अपनी क्लास में स्पेंड करती हूँ। उसकी कोई वजह? क्योंकि मैं उस टाइम पे जब क्लास होती है उसी टाइम पे आती हूँ और जब हमारी क्लास ख़त्म होती है उसी टाइम हमारी यूनिवर्सिटी की बस चल रही थी, इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त अपना क्लास में और स्टडी में कंज्यूम करती हूँ। हम स्टडी में भी करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेलफोन में। उसकी कोई वजह? बस एज ए पर्सन जो मेरी हॉबीज़ हैं मैं उसमें करता हूँ, मेरी RC कार्स की हॉबीज़ हैं, मैं अपना फारिक टाइम उसमें यूज़ करता हूँ, बुक रीड्स करता हूँ। किधर से खाना शौक से खाते हैं, ठेले से या रेस्टोरेंट से? जरमीना अरशद, नुमाइंदा एक्सीलेंट टीवी। आज हम एक निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आज हम स्टूडेंट से ये जानेंगे कि स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा होता है या रेस्टोरेंट फूड। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, मुझे तो स्ट्रीट फूड भी पसंद है और रेस्टोरेंट्स के भी फूड पसंद है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रीट फूड पसंद है। स्ट्रीट फूड आई थिंक ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिहाज से वो अफोर्डेबल होता है और उसके 12 मसाले उसमें पूरे होते हैं। बेसिकली स्ट्रीट फूड जो है उसमें हमें पता नहीं होता कि फूड्स की क्वालिटी कैसी है, उसमें कैसे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, मसाला उसमें कौन सा डल रहा है। तो मेरे नज़दीक है कि मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि रेस्टोरेंट में एटलीस्ट ये तो पता होता है कि क्वालिटीज़ अच्छी है, आप उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं उनकी। जी, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फूड स्ट्रीट है ना उसके खाने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, चटखारेदार होते हैं। वैसे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके खाने ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनका खाना हमारे सामने बन रहा होता है और ये बच्चों के लिए अफोर्डेबल होता है, और जो रेस्टोरेंट होते हैं हमें आइडिया नहीं होता कि उसका खाना कैसा बन रहा है, पीछे उनका किचन कैसा और कैसा नहीं है। डिपेंड करता है मूड पे कि स्ट्रीट फूड खाने का मूड है या रेस्टोरेंट। मेरे ख्याल से आउटडोर गेम्स ज़्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू अगर हम करें इंडोर गेम्स के। आई प्रेफर स्पोर्ट्स बिकॉज उसमें आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है एंड फिजिकली आप फिट रहते हैं। मैं जो है स्पोर्ट्स को प्रेफर करूंगी क्योंकि इसमें हम लोगों की जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है और हम लोग जो है फिजिकली फिट रहते हैं। मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से बंदा फिजिकल और मेंटल फिट रहता है। वीडियो गेम्स और स्पोर्ट्स दो अलग डोमेन्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स को प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं फुटबॉलर भी हूँ, क्योंकि इससे बंदे की फिटनेस भी रहती है। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है क्योंकि फिजिकल बंदा फिट रहता है और माइंड फ्रेश रहता है। मैं ज़्यादा गेम्स को प्रेफर करता हूँ क्योंकि सिंस माई चाइल्डहुड
I've been playing kickboxing. मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि वो जो है मेंटली और फिजिकली इंसान को फिट रखता है और ज़ाहिर सी बात है इंसान सुस्त नहीं होता। तालीम का मियार कहाँ का ज़्यादा बेहतर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट में फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो हैं ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते और वो बच्चों को डील बहुत बुरे तरीके से करते हैं, बताते नहीं हैं। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं, मैं खुद प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्पीयर में पढ़ी हूँ, उसका मकसद ये कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम टीचर से जाके पूछ लेते हैं या हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल से बेहतर होती है क्योंकि वो मेरे ख्याल से फ़ीस कम लेती है, जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात है। जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट में तो ज़्यादा कॉमर्स स्टडी कराते हैं, प्राइवेट में जो है एविएशन भी करवाते हैं, एविएशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करवाते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि उनका मेरिट ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो वो प्राइवेट का ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब टीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मतलब वहाँ पर जो उनके टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी मतलब क्वालिफाइड वगैरह ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा जो उनकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी लिमिटेड से होती हैं, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा मतलब पढ़ेंगे FSC में ज़्यादा मार्क्स लेंगे वही मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन गेन करेंगे। आप ज़्यादा टाइम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर या क्लासेस में? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुमाइंदा एक्सीलेंट TV ज़ैनब बट। आज का हमारा सवाल अपने आवाम से ये है कि वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर कंज्यूम करते हैं, फ़ोन में या स्टडीज़ में? मैं अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करती हूँ, सोशलिज़म ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर। उसकी कोई वजह? क्योंकि उसमें ज़्यादा बिजी रहता है बंदा और ज़्यादा उसमें इंजॉयमेंट है। मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम अपनी क्लास में स्पेंड करती हूँ। उसकी कोई वजह? क्योंकि मैं उस टाइम पे जब क्लास होती है उसी टाइम पे आती हूँ और जब हमारी क्लास ख़त्म होती है उसी टाइम हमारी यूनिवर्सिटी की बस चल रही थी, इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त अपना क्लास में और स्टडी में कंज्यूम करती हूँ। हम स्टडी में भी करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेल फोन में। उसकी कोई वजह? बस एज ए पर्सन जो मेरी हॉबीज़ हैं मैं उसमें करता हूँ, मेरी RC कार्स की हॉबीज़ हैं, मैं अपना फारिक टाइम उसमें यूज़ करता हूँ, बुक रीड्स करता हूँ। किधर से खाना शौक से खाते हैं, ठेले से या रेस्टोरेंट से? जरमीना अरशद, नुमाइंदा एक्सीलेंट TV, आज हम एक निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आज हम स्टूडेंट से ये जानेंगे कि स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा होता है या रेस्टोरेंट फूड। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, मुझे तो स्ट्रीट फूड भी पसंद है और रेस्टोरेंट्स के भी फूड पसंद है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रीट फूड पसंद है। स्ट्रीट फूड आई थिंक ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिहाज से वो अफोर्डेबल होता है और उसके 12 मसाले उसमें पूरे होते हैं। बेसिकली स्ट्रीट फूड जो है उसमें हमें पता नहीं होता कि फूड्स की क्वालिटी कैसी है, उसमें कैसे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, मसाला उसमें कौन सा डल रहा है। तो मेरे नज़दीक है कि मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि रेस्टोरेंट में एटलीस्ट ये तो पता होता है कि क्वालिटीज़ अच्छी है, आप उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं उनकी। जी, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फूड स्ट्रीट है ना उसके खाने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, चटखारेदार होते हैं। वैसे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके खाने ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि खाना हमारे सामने बन रहा होता है और ये बच्चों के लिए अफोर्डेबल होता है, और जो रेस्टोरेंट होते हैं हमें आइडिया नहीं होता कि उसका खाना कैसा बन रहा है, पीछे उनका किचन कैसा और कैसा नहीं है। डिपेंड करता है मूड पे कि स्ट्रीट फूड खाने का मूड है या रेस्टोरेंट। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक्सीलेंट TV।